तो भाई लोग, हर एक इंसान की कहानी होती है, एंड मेरी कहानी शुरुआत हुई थी एक समोसे पे। बता दो कैसे। तो अभी समोसे वाली कहानी का सीन ऐसा है कि मॉर्निंग स्कूल हुआ करती थी मेरी, तो इतने जल्दी उठने का क्या होता था कि मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था घर पे। तो मेरी मॉम क्या करती थी कि मेरे को 5 रुपये दे दिया करती थी कि बेटा ये 5 रुपये है, स्कूल में कैंटीन है, बढ़िया, 9 बजे जब तेरा 9-10 बजे जब तेरा रिसेस बेल होगा जाके समोसा खा लियो, और उसके बाद तो 12 बजे स्कूल छूटना ही है, उसके बाद तो घर आके फ्रेश बढ़िया गर्म गर्म लंच बनता है वो कर लेना। तो ये पूरा शेड्यूल था मेरा बेसिकली। तब क्या होता था कि वो समोसे जो थे मेरी लाइफ में उस टाइम पे, तो ऐसा होता था कि मैं वो स्किप करके वो मैं गेमिंग पार्लर पे इन्वेस्ट करता था वो 5 रुपये, बिकॉज अब 5 रुपये का या तो आप एक प्लेट समोसा खा लो, या तो फिर आप 5 रुपये दे के एक गेमिंग पार्लर में जाके आधा एक घंटा गेम खेल लो। तो उस टाइम पे एक्समैन का एक गेम आया था, वो बहुत चलता था। उसमें क्या होता था कि आपको एक कैरेक्टर बिल्ड करना है, तो जो आप कैरेक्टर बिल्ड करते हो तो उसमें उस कैरेक्टर को नाम भी देना पड़ता है। ओके, सो क्या था कि अब वहाँ पे था 6 लेटर आपको देने, आपको नाम उसमें ख़त्म करना है, बट देन मैं उस कैरेक्टर में नाम दे रहा डायनामिक। ओके, सो डायनामिक हो जाता है 7 लेटर हो जाता है, राइट? तो 7 लेटर तो बिल्कुल वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको कर दिया डायनामिक कर दिया। फिर मैंने एक और कैरेक्टर बनाया, उसका मैंने नाम रखा खिलाड़ी 786। सो उसका हम बोलते थे खिलाड़ी 786। फिर मैंने देखा कि हिस्ट्री टीवी 18 पे एक शो आता था डायनामो मैजिशियन। तो जैसे मैंने फर्स्ट शो मैंने देखा तो उसका नाम ही मेरे को इतना अच्छा लगा, प्लस रिलेटेबल, बिकॉज मैं एक नाम पे पिछले कुछ दिनों से बहुत काम कर रहा हूँ कि मुझे ये डायनामिक हटा के कुछ ना करना था कि मेरा कैरेक्टर बस वो हो जाए। और हमारा वहाँ पे ऐसा ग्रुप था ना कि जिसका जो कैरेक्टर है उसको हम बाहर भी उसी कैरेक्टर से बुलाते थे, जैसे अगर मैं मोहल्ले में घूम रहा हूँ तो वो रे खिलाड़ी का आ रहा है ऐसा, तो ऐसे हम एक दूसरे को बोलते रहते थे। तो मैं कहता कि एक नाम ऐसा होना जिससे लोग ना मेरे को उसी नाम से पहचाने, भले ही हम गेम खेल रहे उस टाइम पे भी, बट देन जब हम बाहर घूम रहे हैं तो उसी नाम से पहचाने। तो जैसे वो डायनामो मैंने सुना ना, मैंने बोला यार 50% जो मेरा प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो गया, तो मैंने वो डायनामिक हटा के डायनामो कर दिया। सो डायनामो नाम तो हमने रख लिया, बट देन वो जो मैजिक है वो मैजिक आना बाकी था अभी लाइफ में। अभी क्या हुआ कि मेरे को बताया कि जैसे मेरे को देखने में अच्छा लगता था, बिकॉज मेरी स्टार्टिंग ऐसे थी, मैं लोगों को देख देख के ही जाना स्टार्ट किया। तो ये माइंड में था कि यार मैं जो चीज़ खेल रहा हूँ ना शायद कोई ना कोई होगा जो देखेगा। फिर वहाँ से आइडियाज़ आए कि यूट्यूब के बारे में। तो क्या था कि बहुत सी चीज़ें होती थी, जैसे मेरे पास मेरे घर पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं था तो बाजू वाले का इंटरनेट हम लोग यूज़ करते थे। मेरे को ये याद है यार नेट स्पीड बहुत ज़्यादा लो थी, तो हम लोग ना ऐसा सोचते थे कि यार जहाँ से वायर आ रही ना वायर को हिलाते हैं ऐसा, शायद कुछ तो होगा, कहीं से कनेक्शन होगा जो शायद लूज होगा, टाइट हो जाएगा तो बहुत स्पीड में नेट आएगा, ऐसा मैं सोचता था। तो मैं हिलाता था वायर कभी कभी रात में ताकि स्पीड ज़्यादा आ जाए। डेटा टाइपिंग वाली कुछ चीज़ हुआ करती थी उस टाइम पर, मैं वो भी करता था। तो मैंने ये चीज़ 2 या 3 महीने की है मेरे दोस्त के साथ मिलके, तो उससे थोड़े पैसे आ जाते थे मुझे, कुछ 2-3 हज़ार मिल जाते थे उस टाइम पे। यूट्यूब के तो पहले पैसे थे $100 के नीचे, आप उसको ये नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो पहला मेरा जो इनकम था वो था कुछ $80, देन उसके बाद थोड़ा सा और आया तो $110 हुआ था। तो वो पैसे मैंने निकाल के सिर्फ अपने पॉकेट में रखे थे, कुछ भी नहीं किया था, खर्च बिल्कुल नहीं किया था मैंने, क्योंकि वो ऐसा था कि मेरे को बताना सबको कि यार मैं तो टाइम से जो चीज़ कर रहा हूँ उसके मुझे इतने से पैसे मिले। तो इन सब चीज़ों को मिला के मेरा बहुत थोड़ा बहुत पॉकेट मनी निकल जाता था, और फिर पापा को लगा कि यार ठीक है अब इससे थोड़ा बहुत तो हो रहा है तो करने दो, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है। तो फिर वहाँ पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था, फिर उसके बाद से सब सॉर्टेड सीन था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत घिंचतान करके मेरे पापा ने मेरे को पीसी दिया था, बनाने के पैसे दे दिए थे कि ले बेटा इतने ही पैसे हैं, इसमें जो बन सकता है बना, लेकिन बना ले अब जैसा भी बना ले। तो मैंने वो पीसी बना लिया था। जब वो पीसी बन गया था ना उसके बाद मैं 3 दिन तक मेरे रूम से बाहर नहीं आया था, 3 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया था। और 3 दिन के बाद जब मेरे पापा ने गेट खोला तो मैं उनको देख भी नहीं पा रहा था, बिकॉज वो पहली बार सनलाइट मेरे आँखों में आई थी उस टाइम पर, तो मेरी आँखें ही नहीं खुल रही थी। तो ऐसा हुआ था कि 2010 से सब चीज़ें हो रही थी, मैं स्टार्ट कर चुका था, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़त्म भी होने लग गई थी। चैनल एक बार ऐसा भी आया कि यार इतने साल बीत गए बट देन कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज आप जब एक चैनल पे पिछले 4-5-6 साल काम कर रहे हो एंड आप जब देखते हो चैनल की ग्रोथ, तो सब्सक्राइबर्स कितने थे, 70, 100,
110 ऐसे सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, इतने 4-5 साल की बात कर रहा हूँ. ओके, रिसेंटली लॉन्च हुआ था पबजी पीसी लॉन्च हुआ था. ओके, सो पबजी पीसी से आप कह सकते हो कि मेरी प्रॉपर स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई थी. सो मेरे को याद है कि लाइक मैंने ये चीज़ बहुत दिन तक करी थी, एंड 100-200 से लेके मैंने इसको खींच तान करके कुछ मेरे ख्याल से 1500 या 2000 तक के ला लिया था मैंने चैनल. ओके, सो बट देन वही सब क्वेश्चन आते थे माइंड में कि यार इतने साल से मैं कर रहा हूँ, क्विट करना है, यू नो, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, स्टडी भी करनी है, देन बाहर के काम भी होते हैं, सब चीज़ें. तो इसके बीच में आया पबजी मोबाइल. सो मैंने बोला यार इसके रेटिंग्स चेक करते हैं, इंडिया में क्या चल रहा है इसका सीन, इंडिया में है नहीं है क्या सीन है. तो मैंने चेक किया ऐप स्टोर प्ले स्टोर, फॉर्ड रेटिंग सही चल रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि यार हम तो पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें मज़ा आ रहा है, ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है बट देन कुछ तो है, हमको खेल पा रहे हैं हम लोग. तो मैंने उसकी स्ट्रीम स्टार्ट कर दी. सडनली जहाँ इतने साल, मतलब 5-6 साल मेहनत करके सब चीज़ें करके, जहाँ मैंने मुश्किल से 15-20 वॉचिंग लाई थी चैनल पे, हार्ट टू हार्ट शायद 30 वॉचिंग गई, क्योंकि जब बहुत इंटेंस मोमेंट चल रहा है सिर्फ 30 लोग देखते थे, और 30 में से भी 3 फ़ोन तो मेरे ही होते थे, मेरे अकाउंट 30-3, मेरे मॉम का, डैड का, मेरा खुद का दूसरा फोन, तो ऐसा चलता था. तो मैंने पबजी मोबाइल जब स्टार्ट किया ना, तो पहले ही दिन वॉचिंग 80 चली गई, और मेरे को इतना खुशी हुआ कि यार पहले दिन इतनी साल की मेहनत था मैं वो हासिल कर गया था, इतना खुश किया मेरे को मिल गया, अब मैं संतुष्ट हूँ. अब मुझे आज भी याद है कि जब भी एक बंदा भी बढ़ता था ना, मैं स्क्रीनशॉट लेता था मेरे फ़ोन से तुरंत, ऐसा मैं फोटो क्लिक करता स्क्रीनशॉट लेता था क्या, और बताने के लिए मेरी मोम को, मैं आज इतने लोगों ने मेरे को देखा. तो मेरे को वो समझ में आ गया था कि यार यही जो चीज़ है मेरे को इसको पकड़ के रखना है. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. अब इसमें क्या हो गया ना कि जब वो चीज मेरी लाइफ में आने लग गई ना, तो यू नो एक थोड़ा सा होता है कि यार आप में थोड़ा सा घमंड आ जाता है, यू नो आप बहुत चीज देखने लग जाते हो लाइफ में कि यार इनको तो कल इतने लोग देख रहे थे, आज मुझे 100 लोग देख रहे हैं, तो एक थोड़ा घमंड आ जाता है. तो वो मेरे में आ गया था, और मैंने ऐसी चीज़ें बोलने लग गया जो मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, बिकॉज इन द एंड वो ऑडियंस ही थी जो मेरे को सपोर्ट करती देखती, और मैं उन्हीं पे कहीं ना कहीं जाके थोड़ा झूठ बोलने लग गया था. तो इतना याद है कि मैं मतलब चुपचाप बैठा रहता था, स्ट्रीम करना था मेरे को, मैं आपको सेटअप करता था, बट मेरे को वो थॉट्स आते थे माइंड में कि यार हेट आएगी, लोग चैट पे कुछ लिखेंगे, कुछ मेरे को बोलेंगे, गालियाँ देंगे, यू नो. तो मैं खुद ब खुद ना कहीं खो रहा था. पापा मेरे से पूछते थे यार कौन है भाई ये लोग, क्यों तेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं. और उनका मेरे को आज भी याद है कि जब हम लोग बात करते हैं तो कभी बार क्या होता है कि हम लोग वॉइस पे ज़्यादा बात करते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस टेक्स्ट होता है तो हम उससे बात करते हैं. देखो बड़ा कितने कम समय में कितनी सफलता मिल गई है कि नहीं. हाँ बस ये सफलता को बराबर बनाए के रखना, घमंड नहीं आने देना, ये तो पता पड़ा घमंड आ गया आदमी को पूरी सफलता भग जाती है ऐसे से, है कि नहीं. अपने आप को बिल्कुल संभालना, बिल्कुल अच्छे से आदर करना सबका, सत्कार, है कि नहीं. और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने चीज़ें वर्कआउट करना अच्छे से स्टार्ट कर दिया था कि अच्छा ठीक है मैंने ये चीज़ गलत बोली और मेरी ऑडियंस को बोली, बिकॉज उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, मैंने ये चीज़ उनको ही गलत बोल दी, तो मेरे को ये क्लियर आउट करना है एंड दोबारा स्टार्ट करना है. बिकॉज मुझे पता था कि यार हमने इतनी मेहनत से ऑडियंस बनाई है, आप गलती करते हो आप सॉरी बोलते हो आपको माफ़ी मिल जाएगी, बट अगर आप झूठ बोलोगे तो वो ज़्यादा बुरा उनको भी लगेगा आपको भी लगेगा. तो इसी बीच मैंने निकाल लिया था फेक डायनामो, जो मेरा एक सीरीज़ है मेरे चैनल पे, मैं उस पर काम करना स्टार्ट करता था एंड बहुत सही गया फेक डायनामो सीरीज़, काफ़ी लोग को पसंद आया, काफ़ी लोगों ने उसकी मतलब डब्स बनाई, काफ़ी लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, काफ़ी लोगों ने उस पर टिकटॉक वीडियोज़ बनाए, कुछ ऐसे डायलॉग्स थे बट सेट शॉट वगैरह, आज भी मतलब आप अगर सर्च करोगे तो लाइक बहुत सारे व्यूज़ हैं इस डायलॉग पे. एंड एक तरह से आप देखोगे ना जहाँ डायनामो आ जाता है ना उसके बाजू में पट सेट शॉट आ जाता है. जो जर्नी है ना इसकी कुछ स्टोरीज़ भी है बहुत अच्छी अच्छी मैं आपको बताता हूँ. सो एक फ़ैन मीटअप हुआ था जो कि मेरी लाइफ का पहला फ़ैन मीटअप था. उस टाइम पे ज़िंदगी में कभी किसी ने आके मेरे को बिग फैन नहीं बोला, कभी किसी ने आके मेरे को बुलाने की नो मैं आपको बहुत प्रेज करता हूँ, मैं आपकी चीज़ें देखता हूँ, आपकी स्ट्रीम देखता हूँ, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था और रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था. ओके, सो एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा जो स्क्वाड है हम लोग खेल रहे थे और सडनली एक प्लेयर आता है जो छोटा बच्चा होता है, बट देन एज अ एनिमी हम उसको देख रहे हैं गेम में, हमें पता नहीं वो कौन है, हम चल रहे हैं. तो मैंने पहले से एक शॉट मारा और उसको कनेक्ट हुआ, तो मैंने देखा और जैसे उसको शॉट लगा ना उसे अपना हाथ वेव किया, ऐसा मतलब सिग्नल दिया कि यार मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मेरे को मारो मत. तो मैंने चिल्ला के बोला कि यार अरे मत मार मत मार मत मार मत मार, हाय बोलने आया मत मार. अरे हाँ उसके बाद कुछ नहीं, फ्लेयर लेके आया वो, क्या बात कर रहा है. मत मारियो मत मारियो मत मारियो. हेलो
हेलो हेलो हाँ हेलो भाई हेलो हेलो भाई बिग फैन अरे भाई बिग फैन भाई अरे भाई 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 क्या नाम है भाई तुम्हारा नाम क्या है भाई तुम्हारा कभी सोचा नहीं था आप सामने खड़ा हूँ अरे भाई रो मत यार रो मत मेरे भाई अरे आई लव यू मेरे भाई रो मत आई लव यू मेरे भाई रो मत इन सब में ना कहीं मेरे को ना वो अपनापन दिखता है कि मैं जिन लोगों से बात करता हूँ भले मैं उनको देख नहीं सकता यू नो मैं एक सामने बैठा हूँ मॉनिटर के गेम खेल रहा हूँ मैं उनसे बात नहीं कर सकता वो मेरी आवाज़ सुन सकते बट मैं उनकी सुन सकता बट जब ये चीज़ें होती ना तो ऐसा लगता है कि यार अपने ही लोग हैं सब यू नो कोई मिलने आ रहा है गेम में तो यार कोई कुछ बोल रहा है तो अपनापन सा लग जाता है ये सारी चीज़ें इसका एक इंसिडेंस है जब ये थोड़ा सा छोटा था मतलब अभी जो एज है उसके उसके 2-3 साल पहले की बात है रिलेटिव है हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव है उनके घर गया था ये उनके यहाँ पे शिवाजी महाराज का जो सिंहासन होता है ना जो बैठने का चेयर वो है उनके घर में इसको बहुत पसंद है तो इसने नॉर्मल उनको बोला था कि मैं भी ऐसी चेयर बनवाऊंगा तो उन्होंने बहुत रफ टोन में इसको बोला था कि तू मतलब उस लेवल पे पहुंच जाए या तू अपने पैसों से बना जब अपना कमाने लग जाएगा ना तब बात करना करके वो बात उसके दिमाग में इतनी बैठी कि अभी 4 दिन पहले हम लोग फर्नीचर लेने गया था उसने वही बात बोली और फर्नीचर वाले को बोला कि मुझे वही वाली चेयर चाहिए बनाकर मैं 99% ट्राई करता हूँ कि वो अपनी स्ट्रीम पे ध्यान दे और फिर उसके पीछे जो चलता है स्ट्रीम के पीछे जो सारा रहता है फिर हम लोग उस चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि अगर कुछ कंप्लेंट भी तो वो कंप्लेंट उन चीज़ों तक ना जाए ये अपनी स्ट्रीम पे ध्यान दे उसके बैकएंड में जो कुछ चलेगा वो सारा हम लोग देख लेंगे तो फिर वो उसको भी कहीं ना कहीं रिलैक्स होता है कि हाँ मेरा मतलब बैक देखने वाला है कोई तो फिर मैं अपनी स्ट्रीम पे ध्यान दूंगा तो मेरी ऑडियंस तक वो सारी चीज़ें वो सारा एंटरटेनमेंट पहुँचे तो एक दिन डैड ने भाई के बर्थडे पे वीडियो गेम लेके दिया था तो भाई क्या करता था अकेला खेलता था और मुझे दूसरा रिमोट हाथ में दे देता था और मैं पूरा बचपन मेरा उसी में गुजरा है कि भाई मतलब मेरा प्लेयर ये है और मैं ही खेल रही हूँ बट वो खेलता भाई था मैंने कभी खेला ही नहीं मारी अभ्यास पण खूप महत्त्वाचा आहे अभ्यास केलाच पाहिजे 100% अभ्यास केला पाहिजे पण थोडासा त्यांचा जो छंद आहे त्याला पण त्यांनी वेळ दिला पाहिजे अभ्यास करताना आणि आईवडिलांनी पण थोडंसं त्यांच्या मनासारखं थोडंसं अभ्यास अभ्यास निसानी थोडं खेळायला पण दिलं पाहिजे फेस कॅम आहे युजली क्या होता है लोग क्या चाहते हैं कि वो फेस कैम से शुरू करें लेकिन इसने फेस कैम के बिना शुरू किया था एक एग्जांपल जैसे बनता है वो एग्जांपल आई गेस मेरे हिसाब से एक डायनामो गेमिंग जो चैनल था उसका जो क्रिएटर था आदित्य सावंत उसने बहुत कॉन्फिडेंटली उसको कैरी किया और इंस्पायर किया लोगों को कि यार तुम आगे आके इस इकोसिस्टम में ड्राइव इन कर सकते हो एंड आई गेस अवन वी मेट आदि एट व्हेन ही वाज एट 350K व्हेन वी फर्स्ट मेट हिम एंड सितंबर 2018 का उस टाइम था वो उस टाइम से लेके आज तक 6.5 मिलियन के करीब है उसका मेंटालिटी डिट्टो सेम है सो आपकी लाइफ को अगर इतने से इसमें अगर यू नो कॉम्पैक्ट वे में अगर आपको बताना है मुझे तो मैं कैसे बताऊंगा बेसिकली ऐसा रहेगा कि जितना आप खुद पे काम करोगे ना जितना आप खुद पे ज़्यादा फोकस रहोगे खुद के कंटेंट पे फोकस रहोगे खुद पे ज़्यादा काम करोगे ना उतना आपको रिजल्ट आएगा यू नो ये मेरा एक मैसेज रहेगा अभी मैं ना जितना मैं भी स्ट्रीम कर रहा हूँ ना तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि लोग मेहनत से ज़्यादा ना दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि यार मेरे को शाउट आउट दे दे या मेरे को इसके साथ खिला दे मेरे को उससे मिलवा दे मेरे को इससे खिला दे सी इससे कुछ नहीं होता है इससे क्या होता है कि आप बस एक टाइम के लिए उनकी ऑडियंस के सामने आओगे एंड देन वैनिश हो जाओगे बट देन आप खुद की ऑडियंस क्रिएट नहीं कर पाओगे इस पूरे सोसाइटी में तो मेरे को मैं ये मैसेज दूंगा कि यार आप ना ज़्यादा मेहनत करो अपने ऊपर अपने कॉन्टेंट पर मेहनत करो अपने ऊपर मेहनत करो ताकि ऑडियंस आपको आपके लिए जाने ऑडियंस आपको किसी और पर्सन के लिए ना जाने ये काफ़ी लोग को ऐसा लगता होगा ऐसा दिखता भी है कि यार मेरे पास बहुत कुछ है मैंने बहुत कुछ लिया है बहुत लोगों से मुझे मिला है सब चीज़ें मैंने एक्वायर कर ली बट मेरे लिए कुछ भी नहीं है यू नो मेरे को वो भूख है कि मेरे को ना बस इस फील्ड में आगे बढ़ना है और कुछ भी करके ना एक्वायर करना है सारी चीज़ें जो भी मेरे को मिल सकता है ना उस चीज़ की ना एक भूख होनी चाहिए वो मेरे में है और मेरे को देखना है कि मैं इसमें और कितना आगे बढ़ सकता हूँ और ये जो हसल बसल है लाइफ की तो यार ये तो चलते रहनी है हर टाइम कभी हार नहीं माननी है बस दौड़ते रहना है अपने पैशन को लेकर